प्रदेश की सियासत में चुनावी रण समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी कार्यालय से दूरी बनाना अभी से शुरू कर दिया है। नेताजी बता रहे हैं इसकी वजह, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी महाकुंभ का समापन हो चुका है। देश प्रदेश से आई स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज अब प्रदेश से लौट चुकी है। ढोल ताशों ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाजें सड़कों से गायब सी हो गई है। चुनावों के दौरान चर्चाओं से गुलजार चौपालों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई परिणाम की टेंशन के चलते जनता की भीड़ से दूर शांति के पलों की तलाश कर रहा है तो कोई अपनी चुनावी थकान के चलते घर में आराम फरमा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष भाजपा के इंदौर कार्यालय की तो यहां आने से न सिर्फ नेता और पदाधिकारी गुरेज कर रहे हैं बल्कि भाजपा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी भाजपा कार्यालय में आने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कार्यालय पर न सिर्फ सन्नाटा पसरा था बल्कि खुद अध्यक्ष को अपना कक्ष में जाने के लिए ताला खोलकर अपनी टेबल व्यवस्थित करनी पड़ी। इस बारे में जब नगर अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जी जान से अपना काम किया है जिसके कारण उन्हें थकावट होने के साथ ही कई कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत काम भी अधूरे पड़े हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने भी राजस्थान भेजा, उन्हें आराम और फुर्सत में उनके निजी काम निपटाने के लिए अभी 10 दिन छोड़ दिया, लेकिन उनको शक्ति संचय करने के लिए भी बोला है कि वो अपने मन मस्तिष्क को तरोताजा रखें कि 11 तारीख को आपको उत्साहपूर्वक उत्सव भी मनाना है। बहरहाल ऐसे में खाली पड़े भाजपा कार्यालय को देखकर ये कहना मुश्किल है कि यह कार्यालय प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी का कार्यालय है, लेकिन ये बात तो तय है कि कार्यकर्ता चुनावी समर में थक चुका है जिसके चलते कार्यालय से दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।